अभी युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन जी भी मौजूद है और हम इनसे जानना चाहेंगे आज जिन दोनों की मुलाकात हो रही है क्या क्या बातें हुई मुलाकात में हम इनसे जानेंगे। राजकुमार जी आप किस लिए आए हैं और क्या क्या बातें हुई हैं? देखिए AIMIM ऑफिस दफ्तर हम इसलिए आए हैं कि जो बिहार में और देश में जो गठबंधन का दौर चल रहा है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ NDA, तो बिहार को इन दोनों से निजात नहीं मिल पा रही है, इसलिए तीसरा मोर्चा तीसरा गठबंधन चाहिए बिहार को, देश को भी। तो उसमें हम पहल कर रहे हैं, अगर हमारी ताकत को समझते हैं AIMIM के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो हम उनके विश्वासों पे खड़ा उतरेंगे। और बिहार में जिस तरह से जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है और देश को ठगा जा रहा है, उससे निजात दिलाने की मेरी पहल रहेगी। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान जितने भी सीटों पे लड़ेंगे वहाँ पे युवा बिहार सेना पार्टी के उम्मीदवार होंगे और उनको मुँह तोड़ जवाब दूंगा कि पासवानों को बिहार में ठगना, दलितों को ठगना, अकलियत को ठगना, बिहार के 13 करोड़ आवाम को ठगना कितना भारी पड़ता है, वो 2024 का लोकसभा चुनाव में समझाएंगे। AIMIM के साथ अगर आपकी गठबंधन हो जाती है तो कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए आज पहली मुलाकात है, पहली बात है और आगे और भी सहमति हम लोग की बनेगी, पूरा उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि बहन मायावती भी हम लोग के साथ आए, उनके लिए पहल चल रहा है, राष्ट्रीय नेता लोग बैठ के बात कर रहे हैं। हमारी जहाँ तक ये जानकारी में है और हमारा जहाँ तक सहयोग होगा हम साथ चलने की प्रयास करेंगे, लेकिन अभी बहुत सारे बिंदुओं पे बात होना। साहब हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इनके बुलावे पे हम आए, आगे और भी बात होगी। क्या कहिएगा आदिल जी, आज आए हुए हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी आपके साथ, क्या क्या मुलाकात में बात? बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इंजीनियर राजकुमार साहब का, वो AIMIM के दावत पर आए, हमारी कुटिया में आए, लेकिन ये कुटिया AIMIM की अपनी है। मैं इनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, आज पहली मुलाकात हुई है, पहली बात हुई है, भविष्य में भी इस पर चर्चा होगी। हम चाहते हैं कि इनके जैसा नौजवान पढ़ा लिखा, इनकी टीम और AIMIM के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुलईमान साहब हमेशा चाहे हैं युवाओं को आगे बढ़े, युवाओं के हाथ में, क्योंकि 65% आबादी युवाओं की है। बैरिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में भी एक बिल को रखा कि 21 साल की उम्र के युवा को लोकसभा और विधानसभा लड़ने की इजाज़त दी जाए, वाहिद हिंदुस्तान में किसी लीडर ने इस प्रस्ताव को रखा है। वोट तो सब युवाओं का लेते हैं, वोट युवा की बात करते हैं, लेकिन 75 साल 80 साल के साहब प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जब आबादी 65% मेरी है, युवाओं की है, तो आप प्रधानमंत्री क्यों बन रहे हैं? युवाओं को मौका दीजिए, अच्छा, जाकर देश दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में देखिए, युवा प्रधानमंत्री, युवा प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो भारत में युवाओं का देश है, तो भारत में युवा क्यों नहीं बन सकते आगे? अच्छा, आपकी पार्टी जो है गठबंधन करेगी अगर, तो आप लोगों को कितनी मजबूती मिलेगी? एक तरफ से मायावती भी अगर आ जाए, AIMIM भी आ जाए और युवा बिहार राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष भी है यहाँ पर साथ में आपके, अगर आप लोग तीनों मिल जाते तो कितनी मजबूती? बहन जी जो मायावती जी हैं उनके साथ वो 2020 में भी हमारा गठबंधन था और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा बोला कि हिंदुस्तान में एक जनाधार वाली नेता, एक मजबूत नेता जिनका नाम बहन मायावती है, 4 बार की चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की नहीं है, पहले भी नहीं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे गठबंधन होगा। मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान साहब का, बिजली से इनकी पूरी टीम का इस्तकबाल करता हूँ। और आज पहली बात हुई है, पहली मुलाकात हुई है, लेकिन ये मुलाकात सार्थक है। और हमारा यही कहना, इस इंडिया में ना मुसलमान दिखता है, ना दलित दिखता है, ना आदिवासी दिखता है, इस NDA में भी वही हाल है। संजय झा इधर है तो उधर भी आप देख रहे हैं कि कौन साहब है, तो मतलब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मुसलमानों की हिस्सेदारी, दलितों की हिस्सेदारी, आदिवासियों की हिस्सेदारी, मज़लूमों की हिस्सेदारी कहाँ पर है, आप देख रहे हैं। मतलब सत्ता के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छा, आप लोगों का गठबंधन जो अगर हो जाता है कितना कारगर साबित होगा? एकदम होगा। मैं इंजीनियर राजकुमार साहब का जो पकड़ है, जो क्षेत्र में इनके 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 जो संगठन है उसकी, उनकी सब मिलके, क्योंकि मुट्ठी बंद मुट्ठी जब तक तभी मजबूत होगी,
लड़ाई मिल के करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा को हराना है और फिरका परस को हराना है तो आपको मिल के आना पड़ेगा। और ये तथाकथित जो महागठबंधन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं है, लालू जी कहते हैं, तो ये किसको कल ठग देंगे कोई नहीं जानता है। मैं चाहता हूँ राजकुमार साहब से भी आप पूछें। देखिए, आपको बता दो कि बिहार में अकलियत के लोग और दलित भाई लोग एक विकल्प चाह रहे हैं, वो विकल्प मिल नहीं रहा है, वो विकल्प हम लोग देंगे और आगे की बात आगे हम लोग करेंगे, आगे और भी जो बातें होगी गठबंधन की, गठजोड़ की, आप तक। आप दोनों को बहुत तो मैं एक चीज़ इनका एक चीज़ परिचय आपको, बहुत ही संघर्षशील नौजवान हैं और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे, वहाँ पर पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े, फिर योगेंद्र यादव जी से जुड़े, लगातार एक चेहरा है जो राष्ट्रीय चैनलों पे आप इंजीनियर साहब को आपने पहले देखा है। 2000 अन्ना आंदोलन में रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, जद्दोजहद किया और NRC में भी लड़ा, इन्होंने बेबाक बात की, शाहीन बाग भी गए, जामिया भी गए, अब बिहार के भी NRC शाहीन बाग में ये गए। तो MIM में इनका दिल से इस्तकबाल है, फैसला इनको लेना है। अगर ये MIM में आते हैं तो मेरे दिल से और इस्तकबाल, अगर अलायंस करते हैं तब भी इस्तकबाल। मैं चाहता हूं कि ऐसा नौजवान सदन में जाएं, बिहार विधानसभा हो या लोकसभा हो, इनको जाने से वहां की चार चांद लगेगा और मेरी शुभकामनाएं इनके लिए। अलायंस तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर साहब फैसला देंगे, लेकिन इनका दिल से इस्तकबाल हम करते हैं।